अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज गति से आ रही बस के पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। बता दें कि बस दिल्ली से बस्ती और सिद्धार्थनगर जा रही थी। इस हादसे में 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है, और थाना कैंट क्षेत्र में ताजनगर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर थे उनसे बातचीत में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी, उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। बस्ती में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। बता दें इस नटवर लाल पर देश के कई राज्यों के 200 से ज्यादा लड़कियों से लाखों की ठगी करने का आरोप है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बस्ती की एक लड़की इसका शिकार हुई। रोतापार क्षेत्र थाना कोतवाली की एक महिला है जो शादी.com ऐप के माध्यम से शादी के संबंध में व्यक्ति तलाश रही थी। उनका संपर्क ऐप में दिए मोबाइल नंबर पर हुआ। वो मोबाइल नंबर तरुण नाम के व्यक्ति का था और तरुण द्वारा इस महिला से शादी के नाम पर लगभग 85,000 रुपये बैंक में ट्रांसफर करा लिए गए और अपना संपर्क तोड़ लिया गया। बुलंदशहर में बीते दिनों नकाबपोश बदमाशों ने दंदहाड़े बैंक से करीब 18 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इस मामले का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 36 घंटे में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और लगभग 30 घंटे के भीतर एक बड़ी घटना जो सयाना में उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो प्राइवेट बैंक है उसमें कर्मचारियों को ओवरपावर करके लूट की गई थी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर शुरुआती एक घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी। उस अभियुक्त के बारे में टीम पहले से ही काम कर रही थी, मैक्सिमम जानकारी उनकी हमारे पास थी और लगातार प्रयास करते हुए बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्रॉस फायरिंग में तीनों अपराधी घायल हुए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई संपूर्ण धनराशि लगभग 11,73,500 रुपये बरामद हुए थे। एक जो मुख्य अभियुक्त है इसने अपने भाई को 1,05,000 रुपये कल दे दिया था और वो रुपये भी और उसके भाई को भी दूसरे जनपद से पुलिस गिरफ्तार करके ला रही है। चमोली में जोशीमठ तहसील सभागर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 14 शिकायत दर्ज की गई, जहां दर्ज शिकायतों में 2 शिकायत का निस्तारण किया गया, जबकि 12 शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 14 लिखित शिकायत, 5 से 6 मौखिक शिकायत आई, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। उसमें अधिकतर शिकायतें PMGSY, पेयजल और PWDC संबंधित। गोरखपुर में निषाद राज गोवा के जयंती समारोह के अवसर पर गोरखपुर के स्थित निषाद राज गोवा के मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य लोग और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और निषाद समाज के सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ निषाद जी की जयंती मनाई जा रही है और इसी के बहाने जयंती के बहाने निषाद समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी इस तरह से कार्यक्रम करके निषाद समाज को आगाह किया जाएगा कि आप कहीं गलत रास्ते पर न जाएं, अगर गए हैं तो उसको वापस होना चाहिए उनको। गोरखपुर के सभी निषाद समुदाय को, अन्य समुदायों को भी आज के जयंती के शुभ अवसर पर महाराज निषाद राज की तरफ से सभी लोग की उन्नति की कामना, विकास की कामना, ताकि भगवान महाराज निषाद राज सबके विकास के लिए वह आशीर्वाद प्रदान करें, मैं यही कामना करता हूं। यह मंच जो लगा है राजनीतिक नहीं है। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण के वजीरगंज क्षेत्र में धज्जियां उड़ गई, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या करने की नीयत से पिटाई की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ के KGMU अस्पताल का अचानक निरीक्षण करने डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां लाइन में लगे मरीजों से मिले, साथ ही प्रिंटर मशीन को चेक भी किया, जहां पर्ची बनवाने में हो रही देरी पर सवाल भी पूछे, मरीजों का हाल जाना, साथ ही उन्होंने कब से इलाज कराने आए हो इसकी जानकारी तक ली।
संजय निषाद ने मत्स्य विभाग निदेशालय और चक्र निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। उसके साथ सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। लखनऊ में नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जहां सफाई कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारी काम करने की टाइमिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में नवरात्र हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जिला चिकित्सालय बीडी पांडे नैनीताल में ये आयोजन किया गया। नैनीताल में ही नहीं, पूरे देश प्रदेश में नवरात्र पर्व की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, तो वहीं भीमताल रामलीला मैदान में पहली बार श्री राम सेवक मंडली द्वारा चैत के रामलीला का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों के प्रयास और कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए चैत के रामलीला का आयोजन किया गया। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला, जहां बालपुर खरुआ के पूर्व प्रधान के अवैध जमीनी पर बनी बिल्डिंग को प्रशासन ने मुक्त करा लिया। बता दें, एसडीएम सदर के आदेश पर अवैध निर्माण को किराया गया। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में रेलवे की पटरी के पास ट्रेन से टकराकर एक युवक घायल हो गया। वहीं उसके साथ जा रहे दोस्त युवक को अस्पताल पहुंचने की जगह चोरी कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां आरोपी के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी बरामद की गई है। टुड़की के नारसन ब्लॉक के लिबर हेड़ी गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर भारी घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण को खटिया सामग्री लगाई जा रही है, साथ ही सड़क की गंदगी के ऊपर ही इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, जो कि कुछ दिन भी चलने लायक नहीं रहेगा। ये मलबे के ऊपर ही रेता पंगी चला के जो ना अपना खाना पोते कर ठेकेदार यहाँ पर मौजूद है। ठेकेदार यहाँ पर मौजूद भी होगा तो उसे ठेकेदार को तो अपना कार्य करना। सचिव कोई आया है? कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं। और लार सड़क लो और यो रविदास रोड हो जो मंगलोर जाने वाला कई गाँव के आदमी आते जाते हैं, रोड बढ़िया चलो भोजन दाल चलो इस पर ज़्यादा। और इस पर इन्होंने ठेकेदारों ने जो हो इस पर गंदगी पर गारे पर ही वो जो ये टाइल बिछानी शुरू कर दी पांगी गेर को, अब यह तो बैठ जाएगी 8 ही दिन में। कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई नहीं, उनसे पूछा भाई इसमें कच्चा माल नहीं पास हुआ ना, भाई ठेकेदार से पूछो हमसे, उनसे नंबर मांगा, उन्होंने ठेकेदार का नंबर नहीं दिया, जो मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे उन्होंने वो भी नहीं दिया। फिर इन्होंने देखा क्या ये जो गारा नाली का निकला है उसी पर इंटी दे रखी उन्होंने, सड़क बनागी तो सही तरीके से बनागी, नहीं तो भाई यहाँ बनने की नहीं। बिल्कुल क्या दिक्कत है? दिक्कत है आज पर बढ़िया माल गिरागा और यह पंगी गे रखी रेता नहीं है, माटी गे रखी पे गारे माटी पे यूंगे तुम। उत्तरकाशी में आज से प्रदेश के राज्यपाल लॉ एंड जनरल गुरमीत सिंह जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां भ्रमण के दौरान आज उत्तरकाशी स्थित बाबा काशी विश्वनाथ शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की मांग की।